सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से शर्की करते थे। और जैसा हमने तुमको पहली ही दफा पैदा किया था, ऐसा ही आज किया हमारे पास आए, और जो मालो मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते, जिनकी नस्बत तुम ख्याल करते थे और करते थे कि वो हमारे शफी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब वगैरह उगाता है वही जानदारों बे वही जानदारों बेजान से निकालता है, और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। मौजवे आराम आम ठेरिया और सूरज और चांद को जराए शम्मा रबिया ये खुदा के मुकर रखे हुए अंदाज में जो गालिब और अलम वाला है, और वही तुम है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं ताकि जंगों और दरमियों के अंधेरों को, और वही तुम है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक पर्दोने की समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं, और वही तुम है। भला क्या और जो निधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया, और मैं तुम्हारे अंगियान नहीं हूँ, और तुम इस तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये ना कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि समझने वाले लोग के लिए तशरीह कर दें, और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ये तुम्हारे पास आता है इसी की पैरवी करो। इस पर परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं, और मशरकों से किनारा कर लो, और अगर खुदा अच्छा था वो तो ये लोग शुक्र के ना करते, और पैगंबर हमने तुमको इन परहिंगे बार मुकर नहीं किया, और ना तो तमाम के दारों वे हो, और जिन लोगों को ये मशरिक खुदा के सिवा पका रहते हैं उनको बुरा
बुरा ना कहना कि ये भी एक है खुदा को बेअदबी से समझ बुरा ना के ये बैठे। इस तरह हमने एक फिरके के अमाल इनकी नतारों में अच्छे कर दिखाए हैं, पर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। तब वो इनको वो बताएगा कि वो क्या क्या करते थे और ये लोग खुदा की कसमें ये खाते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी आए तो वो इस पर ज़रूर ईमान लाए। कह दो कि निशानियां तो सब खुदा ही के पास है और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम है। ये तो ऐसे बदनजत है कि उनके पास निशानियां आ भी जाए तब भी ईमान ना लाएं और हम उनके दिलों और आँखों को लुटा देंगे। तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफ़ा ईमान नहीं लाए वो ऐसे पढ़ना लाएंगे और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सुरखुशी में बहकते रहें।